आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी सर्विक्स जी के बारे में। जब से कोविड आया हम सब लोग तकरीबन हर घर में सर्विक्स जी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कुछ गलतियां हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। जो गलत तरीके से हम सर्विक्स जी इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिस्कस करूंगी मैं, और जो हम इस डर से इस्तेमाल नहीं कर रहे कहीं वेट गेन ना हो जाए, कहीं वेट लॉस ना रुक जाए, तो उस चीज को भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्विक्स जी है क्या। बेसिकली बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है जो आपकी कुव्वत मुदाफियत को बूस्ट करता है। नाम से पता चलता है जी मीन जिंक। इसके अंदर जिंक की एक अच्छी मकदार मौजूद है। इसके अलावा विटामिन बी, विटामिन सी, हर वो चीज हमारी कुव्वत मुदाफियत को बूस्ट करती है। मतलब विटामिन बी, विटामिन सी भी कुव्वत मुदाफियत के लिए बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। वो दोनों चीजें भी हैं, जिंक भी है, और ना सिर्फ ये कि ये हमारी कुव्वत मुदाफियत के लिए अच्छे हैं, हमारे हेयर के लिए, नेल के लिए, स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अंटिल अनलेस कोई मसला और चल रहा है, अब कोई और मसले से मुराद ये खुदा ना खासा अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी, आप सर्विक्स जी ले भी लेंगे तो जाहिर है वो उतना अच्छा हेल्प नहीं करेगी जितना फिर आयरन। तो बेहतर ये है कि अगर आपको हेयर फॉल वगैरह का मसला है एक दफा डायग्नोसिस करा लें, उसके बाद इसका इस्तेमाल शुरू करें। वैसे सर्विक्स जी का इस्तेमाल करने से आपके हेयर, नेल, स्किन तीनों चीजें बेहतर होंगी, कुव्वत मुदाफियत आपकी स्ट्रांग होगी, और आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए भी सर्विक्स जी बहुत अच्छी है। इस्तेमाल का तरीका, जो गलतियां हम सब कर रहे हैं, एक तो सुबह उठ के हम नाश्ता करते हैं, नाश्ते में जो भी हमने खाया उसके साथ हमने सर्विक्स जी ली और ऊपर से चाय का कप पी लिया, या कॉफी का कप पी लिया, या ग्रीन टी पी ली, बिल्कुल गलत है। कोई भी मल्टीविटामिन, कोई भी चीज, कोई भी सप्लीमेंट इस्तेमाल करके उसके ऊपर से चाय नहीं पीनी, ना चाय, ना ग्रीन टी, ना कॉफी, वो सारा जाया हो जाता है। तो अगर आप नाश्ते में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और नाश्ते के बिल्कुल साथ आप इसके लिप्ट से आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर लेते हैं, या लेमन ग्रास, या कोई भी आप कहवा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं होगी। पहली गलती ये कि इसको इस्तेमाल करने से एक घंटा पहले, एक घंटे बाद ना ग्रीन टी, ना ब्लैक कॉफी, ना इवन कॉफी, ब्लैक कॉफी नहीं।